हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक छोटे से माइक की अनबॉक्सिंग। जो माइक दिखने में काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी कमाल का है बिगनर के लिए। जो भी नए यूट्यूबर्स हैं जो अपनी ऑडियो क्वालिटी को कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। ये माइक आपके लो बजट में मिल जाता है। काफ़ी कॉस्टली और भी माइक हैं लेकिन उससे काफ़ी लो कॉस्ट में ये आपको माइक प्रोवाइड हो जाता है। आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, आप वहाँ से आगे इसलिए परचेस कर सकते हैं। इस माइक की खास बात यह है कि अगर आप अपनी वीडियो को मतलब यूट्यूब चैनल आप चला रहे हैं और अपने मोबाइल से ही पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं, आपके पास में डेस्कटॉप नहीं है या फिर शूट भी आप मोबाइल से करते हैं, DSLR कैमरा से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट माइक है ये। रीज़न इसका यह है कि आप इस माइक को मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी स्मार्टफोन से। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक स्मार्टफोन्स है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और साथ ही साथ आपके पास में कोई भी DSLR कैमरा है उससे भी आप इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा है, नॉइस इसमें बिल्कुल नहीं आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको जूम H1 जो कि काफ़ी हाई वैल्यू का माइक है उसके साथ में इसका कंपैरिजन करके बताऊंगा, और मैं आपको क्वालिटी बताऊंगा कि दोनों की क्वालिटी में क्या डिफरेंट है, दोनों के प्राइस में क्या डिफरेंस है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एनीफो। सो गाइस, इस तरह कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पीछे के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और वहां से आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, जब इस बॉक्स को ओपन करते हैं, ये मैंने मंगाया अमेजोन से, तो जब आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो आपके साथ में इस बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट आते हैं। तो इस बॉक्स को रखते हैं हम इधर, और ये आपको यूज़र मैनुअल गाइड मिलेगी जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा कि इसमें आपको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या इसके पार्ट्स आएंगे। तो इसको भी साइड में रख देते हैं, मैं आपको ऐसे बता दूंगा। उसके बाद में एक छोटा सा पैकेट दे रखा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये लेदर जैसा लग रहा है, शायद लेदर तो नहीं है, सिलिका जेल मिलेगा आपको ये जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे, बिफोर यू प्लग द माइक्रोफोन टू योर स्मार्टफोन स्लाइड द स्विच टू ऑफ और स्मार्टफोन, तो ये इंस्ट्रक्शन के लिए है। तो इसको ध्यान में रखना कि जब भी आप इसको इंसर्ट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन में तो आपका जो स्लाइडर है वो नीचे की साइड में होना चाहिए, यानी कि ऑफ और स्मार्टफोन वाला, कैमरा की तरफ नहीं होना चाहिए। इसको रख देते साइड में। उसके बाद की इसकी एसेसरी जो है वो देखते हैं कि क्या क्या है। एक छोटा सा पैकेट आपको मिल जाएगा, एक छोटा सा एक जैक मिल जाएगा जो एम्पलीफायर वगैरह में आप लगा सकते हैं इसको यहाँ पर। ये आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा जो ऊपर के साइड इसमें लगाएंगे जो कि नॉइस को एब्जॉर्ब करेगा, विंडशील्ड को, इसको विंडशील्ड भी बोल सकते हैं। और ये एक छोटी सी क्लिप मिलेगी जो आप अपने माइक में लगा के आप इसे कॉलर में लगा सकते हैं काफ़ी इजीली। तो ये चल मैं बताता हूँ इसके अंदर और क्या है। इसके अंदर फाइनली मिलेगा आपको ये माइक, इसकी जो वायर है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 5 मीटर की इसकी वायर है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक जैक जो कि 3.5 mm का है, और साथ ही मिल जाएगा आपको ये छोटा सा माइक। आप इसको इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट करना है क्योंकि जब आप इसको ऑडियो वगैरह अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। जब ये आप आउटडोर हो या फिर आप इंडोर भी हो तो आपके मुंह से जो वॉइस निकलती है उसके साथ में एक हवा निकलती है तो वो माइक पर लगती है तो उसमें नॉइस में ज़्यादा बढ़ाव आता है, तो उसको ये हाइड कर देगा। और जब आप बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जब तेज़ी से हवा चलती है वो माइक पर लगती है और उसकी साउंड भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यह है इसका छोटा सा रिमोट, काफ़ी कूल है और ये मेटल का बना हुआ है पूरा जो रिमोट है। यहाँ पर भी एक क्लिप दे रखी है जो आप इसको अपनी बेल्ट में या फिर नीचे पैंट के साइड में इसको लगा सकते हैं। ये बटन यहाँ पर दे रखी है कैमरा के लिए और स्मार्टफोन के लिए। आप इसको जब भी ऑफ़ करना चाहते हैं तो नीचे स्मार्टफोन की तरफ आप इसको पुल कर देना तो ये माइक जो है वो ऑन ऑफ रहेगा। इसको जब आप ऊपर करेंगे तो ये माइक कैमरा के लिए ऑन रहेगा, लेकिन आपने जब नीचे का रखा है तो आपका ये ऑफ भी रहेगा, और स्मार्टफोन पर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब था इस बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड यूट्यूबर हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दें। और साथ ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और फ्यूचर में कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तब तक धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।